हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे वी आरजे एक्सपीरियंस चैनल पे। मैं आपका दोस्त होस्ट वी आपके साथ लेकर आ चुका हूँ टबोस का न्यू एपिसोड। और हमने कहानी को अब तक देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर पे वही जेसिका का भूत हमला करता है और हमारा मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए उसका दोस्त ड्रॉवर आता है। और तभी हम देखते हैं फ्रांसिस की चीखने की आवाज़ और हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए जाता है और देखता है कि जेसिका ने अपने बॉयफ्रेंड एलन को मार दिया होता है। और ये सब उसी भूत के बारे में बात कर रहे थे कि टबो होते क्या हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है उसका दोस्त टबो उसके बारे में हमसे कैसे बच सकते हैं। और तभी तीन मंकी उस पर हमला करता है उस दोस्त पे, और उसका दोस्त उससे बच के अपने दोस्त के तिलिस्म मतलब हमारे मेन कैरेक्टर नोवा के तिलिस्म में बन जाता है गले में। और तीन मंकी सोने होता है अपने कमरे में, अब उसको एक जरा शख्स दिखा देता है और उसका भाई के रूप में आया होता है। और हमारा टीन मंकी उससे बात करके गेट खुल के जा ही रहा होता, तभी वो शख्स अपने वर्जना रूप मतलब कि भूत के रूप में आता है और हमारे टीन मंकी को खा जाता है। और अब हम आगे देखने वाले, हम देखते हैं कि कमरे में पूरी तरह शांति होती है और इतनी शांति होती है कि घड़ी की आवाज़ तक पूरे कमरे में गूंज रही होती है। सब डरे हुए होते हैं और हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है। इतने में तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोवा बोलता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर किसी को गौर से देख रहा होता है। इतने में तभी हमारा ड्रॉवर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। ड्रॉवर रीज़न देता है, आधी रात हो चुकी है, अगर आप अकेले जाते हैं तो आप खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो आदमी पिकाचू कपड़े वाला मतलब वो बूढ़ा खुसट के बारे में पूछ रहा होता है, वो उसका क्या। नोवा आगे बोलता है, हम उसे एक दिन से ढूंढ रहे हैं, तब भी हम उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहे, उसका क्या हुआ होगा। हमारा मेन कैरेक्टर नोवा बोलता है, इसलिए ड्रॉवर तुम यहाँ रहो और उन सबकी देखभाल करो। हमारा मेन कैरेक्टर नोवा को प्रॉमिस करता है कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन अब मैं थक गया हूँ, मैं इसे और नहीं ले सकता। हमारा मेन कैरेक्टर नोवा कहता है ड्रॉवर से, प्लीज़ उन सबका ख्याल रखना। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर चला जाता है और ड्रॉवर बंद होने की आवाज़ आती है और कमरे में फिर से शांति हो जाती है। तभी ड्रॉवर बोलता है, फ्रांसिस। ड्रॉवर आगे बोलता है, मुझे कोलैब ने बताया आप ही हैं जो अपने स्कूल की सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक लड़की हैं। तभी फ्रांसिस चेहरे पे सैड इमोशन लाकर एक्सप्रेशन लाकर बताती है कि उन्हें ओह ये सच नहीं है, ये हकीकत में सच बिल्कुल भी नहीं है। भी ड्रॉवर आगे बोलता है, मैंने ये भी सुना है कि आपके स्कूल में ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते थे। गाइस ग्रेड्स मतलब नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते थे फ्रांसिस के। ड्रॉवर आगे बताता है कि फ्रांसिस आप हमेशा बेकार नंबर लाने वाले ही लोगों के साथ घूमते हो, मेरे पास कुछ तरीके हैं आपके ग्रेड्स सुधारने के, मगर आपको खुद ही वो सब करना होगा। ड्रॉवर आगे बोलता है, अगर आप उन सबसे दोस्ती बंद करने का मुझसे वादा करते हैं तो मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा। फिर फ्रांसिस बोलती है, लेकिन अब ये सब कहने से क्या फर्क पड़ता है। इस रोते हुए आवाज से कहती है, हम सब अभी मरने वाले हैं। तभी ड्रॉवर बोलता है, क्या होगा अगर हम इससे बच जाते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके माता पिता भी आप पे गर्व करें, वो भी कहें कि फ्रांसिस मेरी बेटी है जो इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची है। ड्रॉवर फ्रांसिस से पूछता है, क्या तुम ये सब सच में चाहती हो। चाहती हो अगर तो, ड्रॉवर बोलता है, हमेशा एक आंख की कैंडी बनो। सो गाइस मुझे इसके बारे में मीनिंग नहीं पता, हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा कि ड्रॉवर का ये कहने का मतलब क्या था। और फ्रांसिस बोलती है, लेकिन फ्रांसिस के लेकिन बोलने के बाद ही तभी दरवाजे पे नॉक होता है और बोलता है एक बाहर वाला शख्स, दरवाज़ा खोलो मैं वापस आ गया हूँ। दरवाज़ा लॉक क्यों है, दरवाज़ा बंद क्यों है, दरवाज़ा खोलो। तभी फ्रांसिस बोलती है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। फ्रांसिस अपनी जगह से उठ के जा रही होती है, तभी ड्रॉवर उसे रोक लेता है और कहता है, क्या आप कॉलेज नहीं जाना चाहते और अपने परिवार और मित्रों द्वारा सम्मान नहीं पाना चाहते। ड्रॉवर फ्रांसिस से कहता है, मेरा वादा है तुमसे। ड्रॉवर बताता है कि मैं आपको यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल आईवी लिंग स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। ड्रॉवर फ्रांसिस से कहता है, आप हारे हुए तब तक थे जब तक कि आप बुरी संगत में थे। ड्रॉवर आगे बोलता है, वह दोस्त जो आपको गलत राह पे ले जाएं, उनसे दोस्ती करना बंद कर दो। गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देख सकते हैं कि गेट के बाहर हमारा मेन कैरेक्टर नोवा है और वो कह रहा होता है, क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ड्रॉवर फ्रांसिस को समझा रहा होता है, जब आप उन्हें छोड़ देंगे तब आप अपना उज्जवल भविष्य संवारेंगे। सो गाइस ड्रॉवर की ये बात सही है, बुरी संगत वाले दोस्त
कभी नहीं बनाना चाहिए। दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ जो आपकी मदद करे, ना कि आप उनकी मदद करने के लिए जाओ। मेरे कहने का मतलब कि वो आपको अच्छी चीज सिखाए, ना कि गलत संगतों में खींचे। चलिए गाइस स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। ड्रॉवर फ्रांसिस को बता रहा होता है, जब आप उन्हें छोड़ देंगी तो आपके पास अनगिनत सफलता होगी। सो गाइस ड्रॉवर की इस बात से कौन कौन एग्री करता है कमेंट करके जरूर बताना, और जो एग्री नहीं करते वो भी कमेंट करके बताना क्यों नहीं करते एग्री। चलो मैं आपका इंतजार करता हूँ कमेंट का, देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट करते हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। जब आप अपने पुराने बेकार दोस्तों को छोड़ देंगे तब आपको और नए लोगों से प्यार होगा, मतलब दोस्ती होगी। फ्रांसिस बोलती है मैं, तभी ड्रॉवर और बोलता है जब आप उन सबको छोड़ दोगी तो आपके पास अनलिमिटेड पैसा होगा, इतना कि आप खत्म ना कर सको। सो गाइस वापिस से सीन दरवाजे की तरफ आ रहा होता है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नोवा अभी भी बाहर है, और वो कह रहा होता है दरवाजा खोलो, ड्रॉवर जेसिका जल्दी से दरवाजा खोलो, और हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा होता है। सीन पलटता है और हम देखते हैं अभी हमारा मेन कैरेक्टर बाहर है, और वो कह रहा होता है फ्रांसिस जेसिका जल्दी से दरवाजे की ओर भागो, भूत अभी भी अंदर है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ भूत अंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भूत मुझे अंदर लो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि कोई मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जेसिका जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जेसिका उठकर गेट खोलने जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है सब मरेंगे सब मरेंगे सब यहीं मरेंगे सब एक साथ मरेंगे। जेसिका बहुत खुश होती है और कहती है सब एक साथ नर्क में जाओ। जेसिका ने अपने मन में ये बात खत्म करी ही थी, वो गेट खोलती है और हमारा मेन कैरेक्टर जेसिका का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं चेकमेट मैंने तुम्हें हरा दिया। तभी जेसिका अपने मन में कहती है ये कैसे मुमकिन है। अभी गेट के बाहर से एक और आवाज आती है और वो कहता है क्यों जाग गए ना, तुमने पहले हमें फंसा रखा था। सो गाइस तभी सीन पलटता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब हमारा मेन कैरेक्टर कमरे से बाहर जा रहा होता है, और तभी ड्रॉवर पीछे से बोलता है मुझे एक अच्छा आइडिया आया है, और ड्रॉवर बोलता है पर तुम्हें मुझे इसके बात के लिए शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल दे के जा रहा होता है। सो गाइस सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हम सुनते हैं हमारा ड्रॉवर कहता है क्लैब क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। कोलैब हमें बता रहा होता है, मतलब ड्रॉवर हमें बता रहा होता है जब उस टाइम तुम पकड़ी गई तो तब से तुम्हारा हम पर कोई भी कंट्रोल या कब्जा नहीं है, अब हम आज़ाद हैं। अभी भी जेसिका का घोस्ट कंफ्यूज्ड है और कहता है ये नामुमकिन है, क्यों यहाँ खिड़की कहाँ है। तभी हमारा मेन डायरेक्टर खुश होता है नोवा और कहता है आप बहुत लापरवाह हो, आपने केवल ध्यान दिया उन बंद खिड़कियों के लिए बाहर, लेकिन आपने नहीं सोचा कि दरवाजे पर लगे पोस्टर के पीछे भी एक खिड़की है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे बोलता है शायद घर के मालिक ने लगवाया हो खिड़की दरवाजे के साथ ताकि हवा आती जाती रहे। तभी जेसिका कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। सो गाइस हमें पता चलता है जो फ्रांसिस के साथ ड्रॉवर बात कर रहा था वो ड्रॉवर नहीं था, कोई एक स्प्रिट थी जिसे ड्रॉवर ने बुलाया था हेल्प के लिए, और तभी फ्रांसिस रात की सांस लेती है और बताती है, फ्रांसिस हमें बताती है कि एलन की मौत के बाद ड्रॉवर आप पर और टीन मंकी पर शक कर रहा था। फ्रांसिस हमें आगे बताती है कि ड्रॉवर ने हमें बताया था कि तुम नवजात वर्जित हो, मतलब नए भूत हो और बहुत कमज़ोर हो। फ्रांसिस इस वक्त बहुत उत्साह में होती है और बहुत खुश होती है अपने जान बचाने के बाद। तभी फ्रांसिस बोलती है आप मुझ पर और कोलैब पर शक नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं क्यों। और फ्रांसिस बताती है हम ड्रॉवर के फैसले पर विश्वास करते हैं, इसलिए केवल 10 मंकी और आप संदिग्ध थे, मतलब आप पे शक किया गया, और 3 मंकी की मौत के बाद आप अकेले ही बचे थे, इसलिए हमारा सारा शक आप पे ही गया। फिर से सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ड्रॉवर जानता था कि तुम नवजात वर्जित हो, अभी अभी तुम नए भूत हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम उसके बारे में बुकमार्क की भावनाओं के बारे में कुछ जानते होगे लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम तुम्हें फंसाने का तरीका ढूंढ रहे थे। सो गाइस सीन वापस से पास्ट की तरफ मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है ड्रॉवर और हमारा मेन कैरेक्टर नोवा और फ्रांसिस मिलकर बात कर रहे होते हैं। ड्रॉवर कुछ देखकर कहता है ये है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोवा बोलता है यहाँ दरवाजे पे लगे पोस्टर के पीछे एक हवादार खिड़की है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे शक है कि क्या हम इस खिड़की का इस्तेमाल कर सकते हैं उस वर्जित को हराने के लिए। तभी हमें ड्रॉवर बताता है कि ये वर्जित क्षेत्र है,
ड्रॉवर हमें आगे बताता है, ये जो सर्कल तुम देख रहे हो इसके अंदर हम जो भी बात करेंगे बाहर से टैबो हमें छुपकर सुन नहीं सकता। तभी फ्रांसिस पूछती है, क्या आप तीन मंकी को ढूंढ रहे हैं? उसे दिखे हुए बहुत वक्त हो गया है। तभी ड्रॉवर कहता है, मुझे तो लगता है अब तक उसने भूत का सामना कर लिया होगा, मतलब वो जिंदा नहीं बचा होगा। तभी ड्रॉवर सीरियस लुक में बोलता है, तब तो तुम आखिरी होगे और तुम बहुत बड़े खतरे में हो। तभी ड्रॉवर कहता है, लेकिन इस खिड़की के साथ अभी भी विजेता तय नहीं किया गया है। तभी ड्रॉवर आगे बोलता है, मेरे पास कुछ योजना है जिसका मतलब है कि हम कुछ मछलियां पकड़ेंगे। सो गाइस, हमें ड्रॉवर की बात समझ नहीं आई और मुझे भी नहीं पता हम इसको आगे स्टोरी में जानेंगे ड्रॉवर कहने का मतलब क्या है। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो ड्रॉवर कहता है, और हम इस मछली का चारा हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे मेरे अस्तित्व के बारे में जानना है। और फ्रांसिस तभी बीच में कहती है, यह निश्चित रूप से मुझे फंसाएगा। सो गाइस, फ्रांसिस की इस बात का गलत मीनिंग मत निकालना, इसका पता मैं आगे स्टोरी में चलेगा फ्रांसिस ने क्यों कहा था। सो गाइस, स्टोरी पर वापस आते हैं। और ड्रॉवर कहता है कि मैं इस दरवाजे और खिड़की पर अज्ञात जाल स्थापित करूंगा। ड्रॉवर बताता है, आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे की कुंडी अब खिड़की पर चली गई है, अब खिड़की दरवाजा बन चुका है। ड्रॉवर कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आपके बगल में एक नकली दरवाजा है। सो गाइस, हम अगले सीन में देखते हैं। ड्रॉवर कह रहा होता है, जब तक तुम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करोगे तब तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ड्रॉवर बोलता है कि विश्वासघात इस खेल का नाम है। तभी फ्रांसिस एक साथ बोलती है, तो हम ये कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, तो ये हमने इसका इस्तेमाल किया। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बताता है, और इस पॉइंट पर मैं चिंतित रहने का नाटक करूंगा और आपसे वादा करूंगा कि तुम मुझे खा सकते हो। तभी जैसिका अपने मन में सोचती है, और मैंने अपने आप को धोखा दिया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम लालची हो गए थे और हमें एक ही समय में हम दोनों को खाना चाहते थे। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बोलता है, और मैंने तुम्हारे इसी लालच का फायदा उठाया, मेरी खिड़की की दस्तक को तुमने दरवाजे की दस्तक समझकर खोला और तुम्हारा बिछाया हुआ जाल टूट गया। और जैसिका बोल रही होती है, धिक्कार है मुझ पर, अगर मैं नवजात नहीं होती तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जा सकता था। जैसे ही जैसिका ने अपनी बात ख़त्म की, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त ड्रॉवर की लॉकेट के अंदर वो आत्मा चली जाती है और उसके अंदर हम देख सकते हैं वो कैद हो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक था, और चैनल पे बने रहें और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।